जानेंगे वो है BOT इनक्यूबेटर। BOD इनक्यूबेटर क्या होता है? BOD का सबसे पहले समझते हैं BOD क्या होता है। BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब अगर कोई आपके बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स कंपाउंड हैं जिन्हें आपको क्या करना है, कल्टीवेट करना है, तो उन्हें एक फिक्स टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके या कल्चर अच्छे से डेवलप हो सके। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम दही घर में दही जमाते हैं तो क्या करते हैं, उसे एक फिक्स टेम्परेचर पर रखते हैं जहाँ थोड़ी सी हीटिंग ज़्यादा रहती है, तो वो अच्छे से जम पाता है, अच्छे से डेवलप हो सकता है। दैट इज़ वाई आपको जब भी कोई कल्चर डेवलप करना है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अच्छे फिक्स टेम्परेचर पर कुछ दिनों के लिए रखना है, तो हम क्या यूज़ लेते हैं, इंक्यूबेटर मशीन को यूज़ लेते हैं। इंक्यूबेटर मशीन के कंट्रोल पैनल की बात करें तो सबसे पहले आपको उसको पावर सप्लाई कनेक्ट करना रहता है। पावर सप्लाई कनेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ऑन करना रहता है। ये आपका ऑन या ऑफ का स्विच है। जब इसे ऑफ कर देंगे देन आपके सारे कंट्रोल पैनल्स यहाँ ऑफ हो चुके हैं। लेकिन जैसे आप इसे ऑन करते हैं इंक्यूबेटर को, आपको ये टेम्परेचर शो करने लगेगा कि आपके फिलहाल मशीन के अंदर टेम्परेचर कितना है। ये आपका थर्मोसेट होता है। थर्मोसेट के बाद अगर हम चलें चाहें तो इस टेम्परेचर कंट्रोल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं कि हाँ, आपको टेम्परेचर नहीं देखना है तो आप इसे बंद कर सकते हैं, ऑन करना है तो आप इसको यहीं से कंट्रोल ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कूलिंग एंड हीटिंग। आप इसको किस मोड पर रखते हैं उस हिसाब से कूलिंग एंड हीटिंग है, क्योंकि आपका BOD इंक्यूबेटर आपका 5 डिग्री से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर देता है। दैट मीन इसे कूलिंग फंक्शन भी, एज ए फ्रिज भी काम करना पड़ सकता है और एज ए ओवन भी इसे काम करना पड़ सकता है। सो ये सिंगल मशीन दोनों तरह से काम करती है। अकॉर्डिंग टू दैट आपकी कूलिंग या हीटिंग की आपकी लाइन ऑन होती है। फिलहाल पावर ऑन है तो पावर ऑन, ये आपको पावर शो करता है कि कॉन्स्टेंट पावर इसको कितनी मिल रही है वोल्ट मीटर। सो अगर आप इसका पावर ऑफ कर देते हैं तो ये वोल्ट मीटर आपका 0 चला जाता है। पावर ऑन करते ही यह बताता है इसे कितनी सप्लाई मिल रही है वोल्ट मीटर को। इसके बाद आता है लाइट स्विच ऑफ ऑन। ये इंक्यूबेटर जैसे आपके फ्रिज के अंदर लाइट होती है, सेम इसी तरह इंक्यूबेटर के अंदर भी लाइट होती है। इसके ऑन या ऑफ का स्विच आपके पास बाहर कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट टेम्परेचर कंट्रोल नोब आता है। टेम्परेचर कंट्रोल नोब क्या करता है आपका, ये टेम्परेचर सेट करवाने के लिए होता है कि आपको 5 डिग्री से 50 डिग्री तक ले जाने के लिए यहाँ काम आता है। लोएस्ट वन फर्स्ट पॉइंट ये आपका शो करता है 5 डिग्री। अगर आप इसको घुमाते हैं तो एक सेकंड के बाद एक आपको आवाज़ आएगी, जिस आवाज़ के बाद ये क्या होगा, कूलिंग से हीटिंग फंक्शन पर शिफ्ट हो जाएगा। सुनिए, ये साउंड शो करती है कि अब ये किस पे हो चुका है, हीटिंग फंक्शन पे शिफ्ट हो चुका है। देन अगेन अगर आप इसको वापस करते हैं तो ये अभी फिर से कूलिंग फंक्शन पे शिफ्ट हो चुका है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप कितना टेम्परेचर रखते हैं, इसके अंदर अलग अलग वक्त चालू होते हैं। अंदर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले आउटर लेयर जो बनी होती है इसकी 3 इंच स्टील से आपकी बनी रहती है। 3 इंच स्टील क्यों चाहिए, ताकि इसके अंदर का टेम्परेचर ड्रॉप बाहर नहीं हो। सेकेंड, आफ्टर दैट टेम्परेचर ये ग्लास शील्ड के थ्रू कवर रहता है। ग्लास शील्ड क्यों चाहिए कि इसे हम कहते हैं व्यू विंडो। व्यू विंडो से क्या होता है, आपके अंदर जो अभी कल्चर आपने डेवलप होने के लिए अंदर रखा है, आप चाहते हैं सिर्फ उसे देखना कि क्या डेवलपमेंट है क्या नहीं है, लेकिन आप नहीं चाहते कि मशीन का टेम्परेचर ड्रॉप हो। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ एक इसको डोर को ओपन करते हैं या टॉप के पास व्यूइंग विंडो से आप देख सकते हैं अंदर कल्चर डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट आप आगे प्रोसीडिंग कर सकते हैं। स्टिल आप कल्चर को बाहर निकालना चाहते हैं तो इस व्यूइंग विंडो को ओपन कीजिए जो कि ग्लास की एक शील्ड है। आफ्टर दैट आप अंदर कल्चर को निकाल सकते हैं। सो अंदर से कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें फैंस रहते हैं। ये फैन आपके क्या काम में आते हैं, यही फैन होते हैं जो कि आपके टेम्परेचर को अंदर फेंकते हैं। लेट्स सपोज आपको कूलिंग करनी है तो इन्हीं से आपके कूल एयर अंदर आती है, और अगर आप हीटिंग करनी है तो इन्हीं फैंस के थ्रू आपकी हीट एयर अंदर आएगी। नेक्स्ट आपके टेम्परेचर सेंसर यहीं प्लेस होता है। इनकेस आपको टेम्परेचर रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है तो इसी सेंसर के थ्रू आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ आपके पास वेरिएबल लेयर्स होती हैं, वेरिएबल शेल्फ है जिन्हें आप निकाल के अपने हिसाब से अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसकी लाइट ओपन करते हैं तो जैसे हमने कहा था स्विच ऊपर होता है, स्विच को अगर ऑन करेंगे तो यहाँ आपकी कल्चर के लिए लाइट भी ओपन हो जाएगी। लाइट ओपन होने के बाद कहते हैं वर्टिकल लाइन्स होती है। यहाँ फ्लो आपका कैसा रहता है, फ्लो आपका वर्टिकली रहता है। वर्टिकल फ्लो से मतलब क्या है, आपका जब फैंस एयर निकालेंगे कूल या हॉट एयर तो वो अप से डाउन एरिया में आपकी शिफ्ट होती चली जाएगी। तो यहाँ आपकी जितनी भी कूलिंग या हॉटिंग रहती है किसके थ्रू रहती है, कोल्ड एयर हॉट एयर के थ्रू रहती है। हॉट एयर के लिए हम वाटर मेथड भी काम में लेते हैं कि वाटर को हीट किया उसकी मदद से भी काम में लेते हैं। अदरवाइज हीटिंग एलिमेंट्स के थ्रू भी हम यहाँ हीट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेकंड, कूलिंग के लिए आप क्या लेते हैं, जैसे आपका फ्रिज में कूलिंग रहती है सेम वही कंप्रेशर आप यहाँ काम में लेते हैं। कंप्रेशर आप यहाँ देख सकते हैं, दैट इज योर कंप्रेशर। कंप्रेशर सेम वही फंक्शन जो आपके फ्रिज में रहता है, सेम वही फंक्शन आपके यहाँ रहता है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर इंक्यूबेटर या BOD इंक्यूबेटर मशीन। BOD इंक्यूबेटर आपका यहाँ क्लोज होता है। सो काम क्या आता है, ये आपके कल्चर को डेवलप कराने के लिए काम आता है, बायोलॉजिकल सैंपल्स को रखने के लिए काम में आता है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें, अच्छे से डेवलप हो सकें।